नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। जैसे भी आपको सामने मेरे दिख रहा होगा, मिसुबिशी इलेक्ट्रिक की एसी है। ये नाम सुनते ही आपके ध्यान में आ जाता होगा, ये आप जानते होंगे। ये कंपनी बहुत ही पुरानी है। इनके जो प्रोडक्ट होती है बहुत ही सॉलिड होती है, बहुत हैवी ड्यूटी यूज वाली होती है, बिकॉज इनकी बहुत सारी वेरियंट की प्रोडक्ट आती है, गाड़ियां आती है, बहुत सारी प्रोडक्ट है मार्केट में। देखते होंगे मेडिकल इक्विपमेंट आते हैं। जो भी प्रोडक्ट इनकी होती है थोड़ी डिफरेंट होती है, ट्रैक से हट के होती है, नॉन कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट होती है। एसी इनकी जो होती है ऑलमोस्ट वो जनरल मिसुबिशी एक जैसी ब्रांड है, ये कंपैरिजन लोग करते हैं, एक जैसा ही रहता है। इसमें भी दो कंपनी है, मिसुबिशी हैवी एंड मिसुबिशी इलेक्ट्रिक, दोनों ऑलमोस्ट अलग कंपनियां हैं, एक कंपनी नहीं है। बहुत कंफ्यूजन होता है लोग को, मिसुबिशी हैवी जो है अलग कंपनी है, इलेक्ट्रिक अलग कंपनी है। दोनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। आपको जब भी ये परचेस करते हैं तो आपने नियर बाई में आपको देखना होगा कि सर्विस कैसी है, उसके अनुसार आपको प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। सो गाइज, आज हम नॉन इन्वर्टर एसी लेकर आए हैं, बिकॉज इनकी जो एसी होती है, जो स्पेशलिस्ट हैं वो नॉन इन्वर्टर, स्पेशली इनकी बहुत हेवी मशीन चलती है। सो गाइज, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर के बारे में जानना है तो मेरे आई बटन पे आप क्लिक कर लेंगे, वहाँ नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर के बारे में मैंने काफी डिटेल वीडियो बना रखा, उससे आपका टाइम बचेगा, मैं इसमें डिटेल नहीं करने वाला हूँ। मिसुबिशी की एसी तभी लेनी है जब आपके मन में ऐसा आता है कि आपको लॉन्ग लाइफ में एसी यूज करना है, लंबे टाइम तक यूज करना है, क्योंकि ये हैवी ड्यूटी होती है। इनफैक्ट आपको ये बताने में मुझे खुशी है कि ये एक अकेला ब्रांड है जो बाकी ब्रांड है नॉन इन्वर्टर एसी में 5 साल की कंप्रेसर वारंटी होती है, ये अकेला ब्रांड है जो 10 साल वारंटी के साथ आती है। सो गाइज, इसकी पीसीबी 5 साल है, 1 साल मशीन है एंड 10 साल कंप्रेसर की वारंटी है एज पर कंपनी। ये चेंज होते रहता है जैसे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, लेकिन अभी 10 ईयर वारंटी है। सो आप समझ सकते हैं 10 साल अगर कंपनी दे रही है, इसका मतलब कि आप 12-14 साल आराम से यूज करने वाली ऐसी ब्रांड है, बिकॉज ये पहले से जो प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे हैं, एक तो ये पुरानी कंपनी है जैसे मैंने आपको बताया, 100 साल से अब की कंपनी है। सो इनकी प्रोडक्ट तो बहुत जगह आपको दिखेंगे, लेकिन थोड़ी कॉस्टली होती है, बिकॉज ये नॉन कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट होती है। इनकी हर प्रोडक्ट में, हर डिजाइन में, हर में कुछ अलग ही डिफरेंट आइटम होता है। सो गाइज, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सच से सामना कराऊंगा, जो सही प्रोडक्ट है उसके बारे में बताने वाला हूं, बिकॉज ऐसे लोग कैटलॉग पे मिसुबिशी के बारे में बता देते हैं, वैसा नहीं करने वाला हूं। आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टच करके फील क्रिएट करने वाले हैं। सो गाइज, मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए, हम आपको टच एंड फील क्रिएट करने वाले हैं, प्रोडक्ट को आपके सामने रूबरू करेंगे, अनबॉक्सिंग प्रॉपर करने वाले हैं, वो कैटलॉग अनबॉक्सिंग नहीं करते हैं हम फिजिकली आपको प्रोडक्ट सामने रख के बताएंगे इसमें क्या है, और देखकर आपको समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट क्यों जाना चाहिए। सो मेरे साथ बने रहिए मेरे वीडियो में। सो गाइज, बिफोर अनबॉक्सिंग आपको शॉर्ट ऑफ आपका है, मिसुबिशी इलेक्ट्रिक इस प्रोडक्ट का नाम है। आपका प्रोडक्ट जो है MSGK18VA है, ये आपका नॉन इन्वर्टर प्रोडक्ट है, जैसा आपको दिख रहा हो 18 kg, 410 गैस है इसके अंदर में। सो गाइज, यहाँ भी वही चीज़ें मेंशन है, लेकिन एक चीज़ आपको इस डब्बे में डिफरेंट है, मिसुबिशी क्वालिटी के साथ, इलेक्ट्रिक क्वालिटी के साथ। सो क्वालिटी की बार बार बात होगी सर। सो गाइज, आपके सामने मैंने बॉक्स इंडोर का खोल चुके हैं, और जैसा आपको इंडोर दिख रहा है बहुत शानदार प्लास्टिक है। इनफैक्ट मैं बहुत सारे ब्रांड अनबॉक्सिंग किया हूँ, जो मटेरियल क्वालिटी आपको अभी निकल के क्वालिटी आपको सामने दिख रही है, बिल्ट इन क्वालिटी इसकी एकदम हटके है, प्लास्टिक की बॉडी भी डिफरेंट है। सो काफी जबरदस्त दिख रहा है, इसकी साइज भी काफी बड़ी है कंपेयरली जो इंडोर अभी मार्केट में अवेलेबल है। थोड़ी बहुत साइज इतनी एक्स्ट्रा दिख रही है मुझे कंपेयरली, इसके वजह से जो यहाँ स्पेशली विंड एंड लॉन्गर है, आई मीन कि इसकी एयर थ्रू जो है वो ज़्यादा लंबा काफ़ी डिस्टेंस में जाएगा, जिसके वजह से नॉर्मली जो 1.5 टन की मशीन होती है रेस्ट ऑफ ब्रांड की, उससे कई गुना ज़्यादा ठंडा करता है ये। यही वजह होती है जिसके वजह से आप मिसुबिशी ओरिजिनल आप सोचते हैं लेने के लिए, प्राइस का ज्यादा क्यों आप पे करते हैं वो सब रीजन है। सो गाइज, क्या कॉन्फिगरेशन, एक बार डिटेल करता हूँ आपको। सो गाइज, इसका रिमोट कुछ अलग हटके है, जैसा आपको दिख रहा होगा LCD पैनल सामने ऊपर दिया हुआ है, पावर बटन काफी हैवी है, स्लाइडर के साथ में ये दिया हुआ है जैसा आपको दिख रहा होगा, इसके सारे बटन इनसाइड है, सो काफी प्रोटेक्टिव है, डस्ट वोस्ट नहीं जाएगा।
नॉर्मली आप ऑन ऑफ करते हैं हमेशा, रूम का टेम्परेचर कम बेसी करते हैं। सो मेजर की आपको फ्रंट में दिया हुआ है जो आप सेटिंग करेंगे। वेंट का, क्योंकि इसमें 7 स्टाइल से एयर फ्लो होना है तो बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत सारा फ़ैन का ही मोड है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट मोड है फ़ैन का। सो उसके ऊपर में आएंगे और आपको स्टॉप स्टार्ट इको मोड है, इको कूलिंग मोड है, मोड में बहुत सारी है, पावर चिलिंग मोड है। सो काफ़ी डिफरेंट टाइप का रिमोट है नॉन इन्वर्टर का। आगे बढ़ते हैं गाइस। सो गाइस, मिट्सुबिशी इलेक्ट्रिक की वारंटी पेपर है, वारंटी पेपर भी डिफरेंट है, पूरी फुल साइज की पेपर है। नॉर्मली 3 फोल्ड में बाकी ब्रांड की होती है, इसकी साइज़ इतनी बड़ी है। हर चीज़ को बड़ा रखने का तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है कितना बड़ा रखा हुआ वारंटी पेपर। खैर कोई दिक्कत नहीं है इससे। आपको जो शक्ल दिख रही होगी गाइस, सामने में 2 फ्लैब है और मटेरियल डिफरेंट है, एकदम प्लास्टिक चमकता हुआ दिख रहा होगा। या सामने में कट है, काफ़ी ज़बरदस्त बिल्ट इन क्वालिटी दिखती है। प्रोडक्ट का नाम मिस्टर स्लिम है, इनकी स्लिम स्टाइलिश है और जो शक्ल इनकी बन के निकल के आती है वो स्लिम दिखती है सामने से। नॉर्मली ओवल शेप होती है बाकी लोग का, वो सामने फ्लैट शेप है। सो फिल सामने से स्लिम नज़र आ रही है। एक बार इनसाइड करते हैं। इसमें जो इनकी डस्ट फिल्टर है वो ब्लू कलर की है, काफ़ी डिफरेंट कलर में डाल रखा है। काफ़ी बड़ी वेंट है जैसा दिख रहा है, ये काफ़ी बड़ी साइज़ है, नॉर्मली इससे छोटी साइज होती है। कूलिंग एरिया पैड जो है काफ़ी बड़ा है, वाइडर है जैसा आपको दिख रहा होगा। ये सब रीज़न है जिसके वजह से ये ज़्यादा चिल करेगा, ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी हो पाएगी इस मशीन की। इसमें गई एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, इसकी जो PCB है वो पूरी मेटल के अंदर में फिटेड होती है। सो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट PCB के थ्रू होता है, तो PCB इसके इनसाइड है। सो इसके अंदर में आग लगना, जलना, ये सब चीज़ अवॉइडेड होगा क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव किट के इनसाइड है। कोई प्रॉब्लम आने से आपको जो फायर का चक्कर होता है वो सब नहीं होगा इस AC की वजह से। यही सब रीज़न है जिसके वजह से इनकी प्राइसिंग थोड़ी हायर साइड में चले जाती है। और यहाँ पे आपको काफ़ी कॉन्फ्रेशन चीज़ें मेंशन है, एनर्जी ऑपरेशन से स्विच ऑन करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। सो गाइस, इसमें थोड़ी डिफरेंट है जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्विच ऑपरेशन का। यहाँ आपको स्विच दिया हुआ है ये इंडोर के इनसाइड में। नॉर्मली कभी रिमोट में बैटरी नहीं है या रिमोट कभी इधर उधर रखा जाए, वैसे टाइम में आपको ऑपरेशन कैसे यूज़ करना है यहाँ मेंशन है इसकी सारी चीज़ें। एक बार आप प्रेस करेंगे तो लाइट कूलिंग मोड में जाएगा, फिर प्रेस करेंगे तो ऐसे, ये डिफेंस है, चार्ट है, मैं आपको डिटेल में दे दूँगा। सो गाइस, मिट्सुबिशी के AC में आपको हर चीज़ मेंशन होती है, बहुत ट्रांसपेरेंसी प्रोडक्ट रहती है। जैसा आपको वोल्टेज 230 चाहिए, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ चाहिए, IP कोड मेंशन है, गैस रेफ्रिजरेटर सामने आपको 410 फिटेड है इसके अंदर, इंडोर आउटडोर का मॉडल मेंशन है जैसा आपको पता है GK18VA मॉडल है, एंड आउटडोर की जो मॉडल है वो सर्विस मॉडल दोनों मेंशन है आपको। वेट इसका 16 kg है, इंडोर की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी इंडोर की पावर कंजम्पशन जो है 62 वाट की है। मैं अभी तक किसी भी इंडोर की स्पेशली पावर कंजम्पशन किसी भी ब्रांड में मेंशन नहीं होता है, ये पर्टिकुलर मिट्सुबिशी के इलेक्ट्रिक में ये मैं अभी पढ़ के बता पा रहा हूँ, बिकॉज इससे पहले मुझे भी पता नहीं था कि इंडोर का स्पेशली पावर कंजम्पशन कितना होता है। सो बहुत बढ़िया बात है। सो गाइज, एक बार फ्रंट लुक आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। जैसे ये आपको एयर फ्लो का जगह है और सामने से फ्रंट स्लिम जो फीलिंग दिख रही है, ये प्लास्टिक बॉडी ही डिफरेंट है, काफ़ी सुंदर लुक नजर आता है सामने से। आप एक बार गाइज सामने से देख लेंगे, आपको लिए फोल्ड किया हूँ मैं कि आपको किस तरह की कलर एंड क्वालिटी आपको दिखेगी सामने से। काफ़ी शानदार बिल्ड क्वालिटी दिखती है। एक बार टॉप व्यू भी आपको दिखा देता हूँ। ये फिल्टर एरिया है, काफ़ी बड़ी साइज की फिल्टर एरिया दिख रही होगी सामने, और काफ़ी बड़ी एयर फ्लो की जगह दी हुई है, एयर सकिंग की जगह जो है, क्योंकि एयर यहीं से सक होनी है। एक बार आपको बैक साइड दिखा देता हूँ। गाइस, ये बैक साइड है जो वॉल में टंगेगा। ये आपको बॉडी जो दिया है वो वॉल में ये स्क्रू हो जाता है, इसके बाद में इसको हैंग किया जाता है। इसके इनसाइड भी चेक कर लेते हैं, बिकॉज ये मिट्सुबिशी है, क्या डिफरेंट है अलग प्रोडक्ट से। काफ़ी हैवी काइंड ऑफ प्रोडक्ट दिख रहा है आपको सामने पीछे। इनकी पाइप की थिकनेस आपको समझ में आ जाएगी, ये 3/8 की पाइप है एंड 5/8 की। नॉर्मली जो मशीन में आती है 1/4 की पाइप होती है एंड 5/8 की मशीन रहती है बहुत सारी ब्रांड में, लेकिन सब हाफ रहता है, 1/4 होता है, ये 3/8 की पाइप है। इससे आप समझ सकते हैं इसकी एयर जो गैस की फ्लो है वो ज़्यादा फास्ट होनी है, और मोटी है तो काफ़ी ज़्यादा कंटेन करेगा। ये अलग इस दिख रहा है जो चीज़ें बाकी ब्रांड में नहीं होती है। सो कुछ
हर जगह कुछ ना कुछ डिफरेंसेस दिख रहा है। ये रिमोट होल्डर है एंड इसके साथ बैटरी है, ये इसके साथ दिया हुआ है। सो गाइज एकदम डिफरेंट है और बिल्ट इन क्वालिटी अभी तक तो बहुत ही अल्टीमेट दिख रही है। जैसा आपको अभी तक क्वालिटी मैंने देखा इंडोर का, वो अलग ही हटके है, एकदम डिफरेंट दिखा है। और इसके वजह से इसकी रनिंग कैपेसिटी एंड लॉन्ग लिविटी ड्यूरेबिलिटी डिफरेंट होती है, जिसके वजह से लोग मरते हैं मिसुबिशी के एसी लेने के लिए। सो एक बार आपको आउटडोर भी खोलते हैं और दोनों को फिर एक साथ कंपेरिजन करके चीज़ें आपको सामने रखता हूँ। तो गाइज इंडोर आपने चेक कर लिया है, आउटडोर को ओपन करते हैं, क्योंकि सारा जामोजार जो होती है वो आउटडोर पे होता है, आउटडोर ही मेजर होता है। जो कंप्रेशर है इसके इनसाइड है, सो जितना चिलिंग है जो भी काम करना है, जो चिल फेंकना है, वो इसी का काम है। सो इसकी बिल्ट इन क्वालिटी बहुत माने रखती है, क्या क्वालिटी है और कितनी टेम्परेचर तक ये वर्क करता है, सारा चीज़ दामोदर इसी पे डिपेंड करता है, कितना बढ़िया हीट एक्सचेंज करता है, बिकॉज ये सारा चीज़ डिपेंड करता है आउटडोर के ऊपर में। आउटडोर की फिटिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, उसके पास जहाँ भी लगाते हैं वहाँ एयर फ्लो होने की, एयर क्रॉस करने की जगह होनी चाहिए। सो ओपन करते हैं गाइस, इसको चेक करते हैं कैसा है। सो गाइस ये बैक साइड है, जैसा आपको दिख रहा होगा ये बैक साइड है इस एसी का। फ्रंट साइड आपको दिखाते हैं, यहाँ दिख रहा है गाइस, जैसा इनसाइड आपको पता है इसकी फैन की जो ब्लेड है वो डिफरेंट है। सो बढ़िया फैन लगा रहता है जिसकी वजह से हीट एक्सचेंज बढ़िया हो पाता है। ग्रिलिंग बहुत जबरदस्त आपको दिख रही है, इसकी बिल्ड क्वालिटी जो बहुत सारे ब्रांड मैंने टच किया है, इससे डिफरेंसेस दिखती है, चीजें सामने बोलती है क्या मैं डिफरेंस हूँ। मिसुबिशी इलेक्ट्रिक मेंशन है। इसकी कॉन्फिगरेशन एक बार डिटेल कर देते हैं, क्या पावर कंजम्पशन करेगा और क्या इफिशेंसी इसकी पावर की है। सो ईयरली क्या पावर कम खाता है, कितना खाता है। सो गाइस जैसा आपको पता है इनकी जो मिसुबिशी की काफ़ी पावर इफिशेंसी जबरदस्त होती है, एनर्जी एफिशिएंसी मशीन होती है। आईशियर 3.59 आईशियर रेटिंग है, जैसा आपको सामने दिख रहा होगा। 1450 वाट खाता है, 5200 चिलिंग कैपेसिटी है जो एकदम ट्रू होगा। 1122 यूनिट ईयरली इसका पावर कंजम्पशन है, सो काफ़ी कम पावर खाता है। इनफैक्ट आप इन्वर्टर एसी जो बहुत पावर बचाती है ऐसा बोला जाता है, वो 1100 खाता है, तो आप समझ सकते हैं 22 वाट केवल एक्स्ट्रा कटने वाला है। सो नॉन इन्वर्टर में ट्रबल फ्री मशीन होती है, आपको आँख बंद करके जाने वाली मशीन है, कॉन्फिगरेशन जैसा आपको बोल रहा है। सो गाइस आपको सामने दिख रहा होगा मिसुबिशी का, ये आपको कॉन्फिगरेशन आउटडोर में मेंशन है। वोल्टेज 230 चाहिए इसमें, जो गैस है 410 है, 1.5 केजी के आसपास में गैस रिफिल होना है, 1.5 केजी के आसपास गैस की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी जो आउटडोर की वेट है वो 40 केजी के आसपास में है। जो कूलिंग कैपेसिटी है मैंने बता रखा है 5200 के आसपास है। इनपुट जो वॉटेज है 1.45 है, जो करंट रेटेड है 4.6.4 है, आईशीआर 3.59 है, सीरियल नंबर एंड बाकी चीज़ें मेंशन है गाइस, जो नॉर्मली सब एसी में होती है। सो गाइस जैसा मैंने आपको दिखाया क्वालिटी कूट कूट के भरी हुई है, आपको कहीं कोई चीज की कमी नजर नहीं आई, चाहे उसकी कॉपर की पाइप हो, पाइप भी थिकनेस आपको डिफरेंट है। जैसे नॉर्मली आपको बताया 1/4 की पाइप होती है, काफी पतली साइज की पाइप होती है जो बाकी ब्रांड में पाइप लगी रहती है, इसके अंदर में 3/8 की पाइप है। नॉर्मली आपको जो मोटी वाली पाइप है 5/8 है। सो इससे आपको चीजें समझ में आएंगे कि यस कैसे ये चिलिंग ज्यादा करता है, वो चीजें इनकी जो बिल्ट इन क्वालिटी है, जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी डिफरेंट हटके है, बिकॉज ये कंपनी भी 150 साल पुरानी है। सो कुछ तो अलग बनाती होगी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, ये इसके पीछे रीजन है कि इनके पास उस तरह की क्लाइंटल एरिया है जो वहाँ पे, जैसे ये इनकी ज्यादातर एरिया जो है वो हीट एरिया जहाँ पे वर्ल्ड वाइज है। सो गाइज आपको पता ही होगा गल्फ एरिया में जहाँ ज्यादा हीट होता है, जहाँ रेगिस्तान है, वैसी जगह पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 55 डिग्री तक जाती है चीजें, वहाँ पे ये सब एसियाँ काम करती है। आपको नॉन कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट होने की वजह से पावर कंजम्पशन जैसे मैंने बताया 1122 यूनिट ईयरली कंजम्पशन है, 1450 आपको पावर कंजम्पशन इसका इनपुट है, एंड
5200 कूलिंग कैपेसिटी है, एयर थ्रो जो है वो 40 फीट के आसपास में है, 40 मीटर है, सो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में आपको एयर फ्लो मिल जाता है चिलिंग के साथ में। नॉर्मली बहुत सारी मशीन में एयर फ्लो हो जाती है बट उसमें कूलिंग नज़र नहीं आती है, इसमें भरपूर कूलिंग के साथ प्रोडक्ट आती है। आपको जहाँ पे डेढ़ टन की मशीन है ज़रूरत है, बाकी दो टन की मशीन, वहाँ अगर आप डेढ़ टन भी डालना चाहेंगे तो ये मशीनें सपोर्ट करती है, इतनी दम रखती है मशीनें। सो गाइज, जब भी आप इसको परचेस करेंगे तो आप अपने इलाका में सर्विस सपोर्ट भी चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके मैं बोलूँगा इसको खरीद लीजिए, बिकॉज सपोर्ट एंड सर्विस एक बड़ी चीज़ है। इसमें एक चीज़ थोड़ी कम नज़र आती है, जैसे बहुत अच्छी अगर सिटी नहीं है, लोअर सिटी में आप कहीं रहते हैं तो अगर हो सकती है आपको सर्विस अवेलेबल ना हो तो फिर मत जाइए, मैं वैसा नहीं बोलूँगा आँख बंद करके चले जाइए। लेकिन जहाँ सपोर्ट एंड सर्विसेज है और लॉन्ग टाइम के लिए प्रोडक्ट करना चाहते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आए तो आपको आँख बंद करके जाना, बिकॉज 10 साल वारंटी के साथ आता है। इसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप परचेस करना और ऑनलाइन चाहेंगे तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।